and it's called Cinema 73. And we will be talking about his journey from as a painter, as a founder of Cinema 73, his interests in developing a community cinema, also cultural spaces in Pakistan and its importance. So we'll just wait for him to join. Meanwhile, if you are still not getting updates about the speaker's upcoming events, you can drop your email or your WhatsApp or your phone number to get all the updates for our upcoming events and sessions. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. मेरे तो हाल बहुत अच्छे हैं. ये कहना जरूरी है क्योंकि आदत हो गई है पूरे हाल को सेलिब्रेट करते हुए. नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में अगर अच्छे हैं तो फिर इसका मतलब है बाकी अच्छी बात है. नहीं, वो यही बात है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट. तो मैं भी अब अपने आप को बताने लगा हूं कि ठीक है, सही है, काबिले बर्दाश्त. मैं ठीक हूं. हाँ, मैं ठीक हूँ. वो एक मीम है ना, वो एक बंदा वो एक बैठा होता है बीच में, चारों तरफ आग लगी हुई और वो बोल रहा है कि इट्स ओके. तो यही है, यही है, क्या हो सकता है. अच्छा, क्या हाल चाल है? तो हम बात करेंगे कम्युनिटी कम्युनिटी को जब इकट्ठा करते हैं और जो कल्चरल स्पेसेस का सारा एक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से सोसाइटी का वोकैबुलरी और अंडरस्टैंडिंग और सारा कुछ जो है वो इससे सारा मिलता जुलता है. तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं और आज हम करेंगे. हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है. तो लाइक ऑब्वियसली मैं सिनेमा 73 जो आपका एक वेंचर है जो आप चला रहे हैं उसमें तो मैं बात करते हैं, मिलते हैं और एक सिमिलर एनर्जी है स्पेशली सिनेमा की जो होती है, आप इकट्ठे एक एक्सपीरियंस करते हो. लेकिन उससे पहले का जो सारा प्रोसेस है और जो सारा आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग एज एन आर्टिस्ट, आई एम रियली इंटरेस्टेड हाउ यू वर इनरोल्ड इन, यू वर अ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर सिनेमा, हाउ डिड इट काइंड ऑफ डिवेलप एंड टिल यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी और अ कल्चरल स्पेस, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? यू नो, so since the very beginning, I've often asked myself and other people around me whether or not art is something that is for everyone, and if it can be shared, and if it's democratic, and if it can bring about actual meaningful movement or sort of take over. So main pehle bada sochta tha ki kya is किया जाए आर्ट के साथ. आर यू, मेरी लैग हो रही है आवाज? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, कि क्या ऐसा किया जाए कि मैं अपने आर्ट को एक्सेसिबल बनाऊं. तो यू नो, लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट यू नो आर्ट इज समथिंग दैट इज अंडरस्टूड बाय अ सर्टेन तबका ऑफ सोसाइटी बिकॉज आपके पास फुर्सत होगी तो आपको आप समझने की कोशिश भी करेंगे आर्ट को, वरना जो है आप जिंदगी के तकालीफ और जोल में इतने वो होते हैं कि आपको
मौका नहीं मिलता कभी लाइफ की गहरी बातों के बारे में सोचने के लिए. सो यू नो दीज क्वेश्चंस हैव ऑलवेज क्रॉस्ड माय माइंड वेदर और नॉट आर्ट इज समथिंग व्हिच इज मेंट फॉर अ वेरी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल और इफ इट्स मेंट फॉर यू नो इफ इट्स समथिंग दैट एवरीवन कैन काइंड ऑफ इंडल्ज इन. सो सिनेमा 73 हैज बीन अनदर क्वेश्चन इन दैट जर्नी ऑफ माइंड ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट के क्या आर्ट में इतनी ताकत है कि वो एक इलाके में एक नेबरहुड में कुछ हलचल मचा सके. क्या आर्ट इतनी अहमियत रखता है कि वो चलते फिरते एक यू नो एक आदमी को हिला सके थोड़ा सा, उसे थोड़ा सा यू नो अपने नॉर्मल से थोड़ा सा हटा के कुछ सोच सुचवा सके. तो इट्स बीन अ प्रोसेस इन दैट रिगार्ड के क्योंकि देखिए मैं आर्टिस्ट हूँ राइट, और मैं सोचता हूँ कि मुझे इस दुनिया में अपने कुछ करना है, कुछ छोड़ के जाना है, खैर जाने से पहले कुछ करना है. तो उसके लिए व्हाट कैन आई डू दैट आई कैन रियली ब्रिंग अ फिजिकल यू नो इम्पैक्ट दैट कैन बी फेल्ट बाय माय सेल्फ एंड दोज हु सराउंड मी. एंड सिनेमा 73 इज अ गैराज सिनेमा इन अ नेबरहुड इन सी व्यू इन कराची. एंड how it's been the way it has been framed is something that I have decided to do as an artist, and for me that in itself has become an artistic exploration of the power of an artist can possess. And matlab ek khayal, you know, the power and the value of an idea that can almost you know make a garage not a garage anymore but something worthy of having a you know scenario. We do talk a lot about blurring the boundaries, blurring the line between different mediums, and art bhi mil gaya design ke sath aur performance ke sath aur bada kuch log kar rahe hain. So do you think it really exists in the first place? अगर हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक है, अगर हम ये समझते हैं कि आर्ट में इतनी पावर है कि वो एक आम इंसान को आम जिंदगी में हिला सकता है और एक डायलॉग डेवलप कर सकता है, तो डू यू थिंक दैट रियली एग्जिस्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस, लाइक ब्लरिंग द बाउंड्रीज एंड लेबलिंग द मीडियम्स एंड द आर्टिस्ट्स? यार देखें, जब हम दुनिया बदलने की आई थिंक बात करते हैं ना, ओन वर्ल्ड, ठीक है, आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज व्हाट एक आप एक ही चीज के साथ अगर एक नया नैरेटिव जोड़ दें तो उसकी अहमियत और उसके बारे में सोचने का तरीका तब्दील हो जाता है. आपने कुछ ब्लरिंग द बाउंड्रीज की बात की है कि डू यू थिंक दैट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस? दैट द फैक्ट दैट पीपल कैन द फैक्ट दैट समवन हु डज डिजाइन के साथ, डिजाइन की बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं आर्ट के साथ, आर्ट में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. सो यू नो इट्स नॉट लाइक दैट यू आर अ पेंटर, इट्स नॉट लाइक यू नो. सो इट्स अ लॉट ऑफ द लेबलिंग इज शिफ्टिंग, पीपल कम अप विद टर्म्स और स्टेटमेंट्स लाइक यू नो वी आर ब्लरिंग द बाउंड्रीज बिटवीन मीडियम्स. I'm talking in context ke when you or when somebody is that a community cinema is also a part of the process, like you said, exploration. So do you think that in this whole journey of yours there is blurring of boundaries, or it is something very
like you said, exploration of what you want to do or what you're doing. So do you think that there is this blurring boundary? ये painter है तो इसको ये करना है. And does it bother you, or do you think it's because it's exploration? So, yeah. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. I'm sorry, I think it's my internet. No problem. अच्छा, तो मैंने पर्सनली स्पीकिंग कभी ये लेबल्स, मैं इन लेबल्स से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ और रहा हूँ. तो जब मैंने आर्किटेक्चर स्कूल से ग्रेजुएट किया, मुझे ये लेबल बर्दाश्त नहीं था कि मैं आर्किटेक्चर डिग्री के साथ ग्रेजुएट करूं और मैं एक आर्किटेक्चर ऑफिस में जाके काम करूं और बस 9 से 5 नौकरी करूं और फिर बस यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे क्रिएटिव एस्पिरेशंस हैं कि एक ऑफिस में नौकरी करूं, कुछ एक्सपीरियंस हासिल करूं और फिर बना लूं. ये दिस वांट टू एक्सप्रेस. Okay, Asad, I'm sorry, I have to cut. A lot of people are saying they can't hear you. Join us again. I think it's his network, so we'll just wait for him to join. Hello. Hi, can you hear me now? I can hear you guys. If you can't hear him, please let us know, but I can hear you. So, yeah, I'm so sorry. No problem. I it's just the internet. It's something we can't do anything about. Ha, fair. To main bataun, main labels ke bare mein baat kar rahe the. To labels mujhe shuru se na pasand hai. Main zindagi bhar, I think even while growing up in high school, I was bullied by being called certain labels, and I find just defining ourselves with words generally, I find it a bit stifling. Main samajhta hu insaan jo hai, he's worthy of a lot more than just being, you know, labeled. Or even jo hamare professional ambitions hain, hame mukhtalif career lines ke andar isliye bheja jata hai taaki jo badi capitalist machine hai then.
Is inclusive and it's larger than just one dimension, you know. So studying architecture, was there a time when you were interested in cultural spaces? Like the idea of space or what a space can do or the energy of space, like was there something that you were interested when it came to spacing, you know, and then you kind of thought, okay, cultural spaces, how do they work, how do they function? Because you were enrolled in Edinburgh and having a cultural space in Pakistan, I think it's completely different, right? So in terms of experiences, in terms of just the culture of a space. So was there, like when you were studying or when you were a student in Edinburgh of architecture, did you have this idea of what, like obviously you were studying space, right? But, and designing space, but then did you have this idea or interest in creating a space, commercial space or like a kisi ka ghar ya koi corporate project ya kuch? Cultural space is totally different. So were you interested in those ideas when you were studying architecture, or it just came much later in your practice, like through your practice? Can you hear me? No. Okay, can you hear me now? Main kuch bhi nahi laya, jo khud masti kar raha hai. Acha. Yeah. So, basically, my thesis at the University of Edinburgh was about karate and understanding. Can you hear me? Yeah, I can. Is it working now? Yeah, it is. Your video is still loading, but that's fine. Yeah. Okay, because I changed my location, so I have full signal. So, मेरी थीसिस भी इसके ही बारे में थी, अंडरस्टैंडिंग द सिटी थ्रू सोशल मीडिया. सो आई काइंड ऑफ इवन व्हेन आई वाज इन एडिनबरा, आई वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट
what it would mean to connect to my city where I grew up and my hometown. And the only point of reference I had was social media. And beyond that, जब मैं कराची वापस शिफ्ट हुआ तो इट वॉज ऑलवेज अबाउट फीलिंग लॉस्ट इन द सिटी दैट आई वॉज बोर्न इन एंड आई फेल्ट लाइक आई डिडंट बिलोंग सो सिनेमा 73 बिकेम अ वे फॉर मी टू अंडरस्टैंड द सिटी एंड रिसर्च द सिटी came from the point of look from an emotional place, you know. So Cinema 73 not only has been a space for cultural research, but also the untangling of emotional understanding of what it means to belong in a city, you know. So it has opened up a plethora of avenues of, you know, इससे मुझे ना सिर्फ सिनेमा 73 से मुझे ये समझ में आया कि एक आर्टिस्ट की अपने मोहल्ले में क्या जगह हो सकती है, मुझे ये समझ में आया है कि एक 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 ये समझ में आया है कि एक पेंटर जो है वो अपने मोहल्ले को क्या दे सकता है, अपने मोहल्ले से क्या ले सकता है. सो इट्स बिकम अ वेरी very sort of interesting point of many exchanges. And you know how you spoke about blurring boundaries, I often, you know, I think like an artist, because when I'm faced with my canvas, I never draw in pencil before I start painting. I think I'm losing you, sorry. Boundaries. Asad, can you hear me? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? एक्शन वी विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन व्हेन ही जॉइन्स. I have a lot of questions around Cinema 73 and his practice. But if you have any questions, you can send in. You can send in your numbers and emails so we can update you. नहीं पता है, मेरी गलती नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ. नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं कैमरे पे माफी मांगता हूँ. हाँ भाई माफ कर दो, एप्पल वालों अगर तुम सुन रहे हो तो करो थोड़ा सा ख्याल. नहीं नहीं
नहीं हम जल्दी जल्दी से बात actually brings me to the next question I had ke you talked about that you don't draw before you paint and ye sari practice and I did read a few of your interviews and you said ke your practice is very spontaneous organizing or curating or putting up a community place or a cultural place especially like a cinema where people are getting together you have to kind of build up strategies that bring people together and you kind of have to build up like community oriented you know ways of kind of spreading the word bringing people in and kind of keeping it your temperament or your way of working or your practice is really spontaneous but also this is something that is kind of requires you know dependency on how people show up or how the response is so does that kind of knowing when to let your spontaneity take over and knowing when to let your creative juices flow and knowing when to sort of be an ordinary citizen you know aapko ek balance rakhna hota hai ab jaise I get it jaise cinema 73 itself came from a place of extreme excited passion and an impulsive response you know it was something that had to be done mere jab dimag mein idea aaya maine usi raat ja ke apne cinema ke bahar you know I did some graffiti and then I painted the walls black the next day it was a very impulsive process but when it came down to actually physically bringing the space together arranging for things getting the seats in order you know getting other vendors on board speaking to other so I always let the ideation of the process come from the place of an artist but when I'm part of me the more practical part of me take over and I allow there to be a balance because often what happens with sometimes if I indulge too much in either side I can end up losing the spark so it's almost like the artist is in me is the fuel for my actions and vice versa jab cinema 73 bhi mere liye bahut administrative aur logistic ho jata hai मुझे गुस्सा आने लगता है क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये तो मेरी एक क्रिएटिव ब्रेन चाइल्ड था मुझे इसे एक मतलब ऑफिस की तरह चलाना पड़ेगा बट आई थिंक नोइंग व्हेन टू स्टॉप इज अ गुड वे टू काइंड ऑफ मैनूवर योरसेल्फ अदरवाइज इट कैन काइंड ऑफ अदरवाइज यू कैन गेट स्टक इन अ रट एंड आई डोंट लाइक गेटिंग स्टक इन अ रट या सो टेल अस लाइक व्हेन यू लाइक how does cinema 73 like operate or have an event or what on which films do you decide ki ye film dikhate hain and you've written that the place is safe for people so you know and also like cinema has this ability ke jitne bhi log baithe hain wo ek similar energy or experience share karein so how does that happen like where do you kind of like say ki acha ye karna hai cinema 73 jab maine start kiya tha wo to ek achanak se march 13 I think was the first sunday a big inauguration event gully boy chalai thi to be very honest cinema 73 start karne ki wajah hi gully boy thi like I saw the film gully boy and I was like you know wo उसमें यू नो द स्टोरी ऑफ हाउ वन टेक्स ओनरशिप ऑफ देयर फिजिकल सराउंडिंग्स एंड देयर नेबरहुड्स वाज रियली अपीलिंग टू मी सो आई वाज लाइक मैं भी एक मोहल्ले में ही रहता हूँ जो एक कम्युनिटी है लेकिन कुछ इलाके जो हैं वो बहुत सेग्रीगेटेड हैं
टेंट्स में अमीर रहते हैं उसके बियॉन्ड यू नो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ सेग्रीगेटेड वे ऑफ लिविंग सो दिस वाज ये मैंने जब स्टार्ट किया था तो पहली था कि मैं कभी भी इसे ओवरली इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसी जगह बने जहां लोग आके सुकून से आए और फिर ये मकसद बने बातचीत का अगर मैं क्योंकि मुझे टाइटल्स सो आई फेल्ट दैट यू नो अगर मैं इधर रोड पे भी अपना अपने आप को ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करके प्रेजेंट करूं तो आई एम नॉट रियली बेनिफिटिंग माय फिजिकल surroundings that much it might become a more kind of a selfish endeavor to maine shuru mein badi bollywood films bhi chalai fir maine humne mainstream pakistan ban kar di thi bollywood films and that's why vice news and hindustan times got interested in writing about us as a space that's defying the bollywood ban but again that wasn't our intention was to use powerful art in the form of film as a point to bring people together to have conversations and I think to some extent we've been successful in that because Cinema 73 has itself has become an evolving venture you know for everyone because now our reach has become bigger so we've become more curated in our way we present ourselves to hum इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी करते हैं हम शॉर्ट फिल्म्स भी करते हैं एनिमेशन भी तो ये एक अड्डा बन गया है फॉर कॉन्वर्सेशन फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर यंग आर्टिस्ट एंड अ प्लेस टू काइंड ऑफ एंड इट्स फॉर एनीथिंग एल्स फॉर एनी मोर देन एनीथिंग एल्स इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ एक घर का खाली कोना यूटिलाइज हो सकता है और वो फिर आप उसको मिला के आप उसकी किस्मत बदल सकते हैं उस जगह की यू नो सो इट्स बीन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट सॉर्ट एंड फॉर दैट रीजन आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ सिनेमा 73 एंड व्हाट इट इज या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइक हाउ एंड आल्सो लाइक आई कैन रिलेट टू द एनर्जी लाइक यू सेड के आईडिया आया एंड फॉरेन गए एंड फॉरेन किया आई कैन रियली relate to that so I don't know if that's the right way to say but obviously because you are into a lot of things right like and a lot of things are happening काफी ज्यादा process चल रहा है बहुत सारी exploration हो रही है different चीजों के साथ but cinema is kind of bringing people together for you मतलब ये जो आपकी exploration का एक हिस्सा है तो उसमें कैसे आपको लगता है कि बिकॉज बहुत दफ़ा ये होता है कि जब हम पेंटिंग एक गैलरी में लगा देते हैं या पेंटिंग भी हम कहीं लगा देते हैं तो पीपल कम अप विद दिस कि अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट है ये आसान है ये मुश्किल है ये कौन कर सकता है ये कौन नहीं कर सकता बट देन हाउ डू यू थिंक दैट पीपल ऑब्वियसली फॉर मे बी फॉर फिल्म्स लाइक गली लाइक a little familiar with I would say ki bollywood film hai to log ikatthe ho jate hain but then do you think that cinema has a power that other mediums don't that can bring people together to pehli baat to ye hai mujhe ye lagta hai jaise main jab college mein tha main har hafte monday wale din movie dekhne jata tha it was my escape from the world and an entrance into someone else's life I know how special that was for me as you know kind of it helped me develop perspectives and whatever uske alawa ye daur jo hai na I think moving image ka daur hai jis tarike se hamari media ki consumption ho gayi hai na whatsapp videos ho gayi facebook instagram the way we are consuming the moving image films mein lagta hai इतना पैसा लगता है और उसका जो इम्पैक्ट है ना इन टर्म्स ऑफ द इट्स ऑलमोस्ट अ लार्जर देन लाइफ मीडियम बिकॉज इट ड्रॉज पीपल इन इट हैज ग्लैमर यू नो सो फिल्म एज एन आर्ट फॉर्म
possesses the power, it's a mammoth in the art world, to really say and really change of film, because I saw a film and I wanted to do something, and I physically did something about that, and then I feel that itself is shows how powerful film can be. So achieve film seen with an open mind can really have the ability to transform your life, and you know, and yeah, a new perspective is almost exposing yourself to a new way of living. And yeah, especially aajkal jab humne apni duniyaein jo hain hame kyunki aap sochne ka shauk nahi raha hai na, kyunki aap hum chahte hain hame sab bata diya jaye, you know, and question. Yeah, जिस तरह कहते हैं ना कि फिल्म सिनेमा आपकी जिंदगी को अफेक्ट करता है या जिंदगी आपकी फिल्म को अफेक्ट करती है. सो लाइक यू सेड कि इट इज लार्जर देन लाइफ एंड इट इज समथिंग दैट व्हेन यू सी इट ऑन द स्क्रीन यू जस्ट इट देयर इज अ रश ऑफ इमोशंस एंड दैट काइंड ऑफ यू नो लाइक. So, and because you have created in it in a space, and a lot of people come there and write about it, and just now I've said that Bollywood films banned me, and you people were showing it, and all that stuff. But what do you think is the importance of cultural spaces in Pakistan? Spaces like Cinema 73. So आपको क्या लगता है कि इम्पोर्टेंस क्या है? अभी भी जगह कम है, अगले 10 सालों में शायद थोड़ा बेहतर हो जाए, लाइक एंड हो क्यों रहा है, क्या 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 जरूरत है और क्या, लाइक ऑब्वियसली यू सेड के डेवलपिंग दिस डायलॉग, बट यू नो इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल स्पेसेस स्पेसिफिकली. अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है ज्यादातर majority of the issues we possess and have as a nation mein ladai hoti hai aur phadda ho jata hai, baat cheet nahi hoti, communication nahi hoti, miscommunication ki wajah se bhai bhai se milna chhod deta hai, khandan toot jate hain, ghar tabah ho jate hain. What is the essence of public spaces and that too then cultural spaces is an opportunity for people to come together and discuss things that they share in common with one another. When things are shared and translated and communicated, half your issues are resolved. When you are able to understand the other and empathize with the other and feel where the other is coming from, की आवाज आ रही हो और आप घर में सो रहे हो, आप घर में तपते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे कि भाई जाहिल लोग हैं, चीखते हैं, शोर मचाते हैं, सोने नहीं देते. लेकिन अगर आप उन्हें फोन करें और वो आपको बताएं कि भाई रात को सॉरी शोर हो रहा था क्योंकि हमारे यहाँ इमरजेंसी हो गई थी या कोई गिर गया था, या वो आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन तब्दील हो जाएगी एंड योर पर्सपेक्टिव अबाउट देम विल शिफ्ट. सो दैट इज व्हाट हैपेंस एंड दैट इज व्हाट जिन माहौल इन गांव में लोगों के पास पब्लिक स्पेसेस नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की, उधर कल्चरल स्पेसेस की बहुत अहमियत है. ये ऐसे ऑलमोस्ट अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड अड्डा, बट इट बिकम्स अ स्पेस ऑफ इंटरैक्शन, ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन अनदर एंड यूजिंग your shared experiences to develop understanding and to develop a vision, you know. So cultural spaces ki to immense zarurat hai hame apne khayalat ko discuss karne ki, ek dusre ke sath immense zarurat hai hame intellectual pursuits ki upar connect karne ki ek
दूसरे के साथ इमेंस जरूरत है टू इवॉल्व, टू गो फॉरवर्ड, टू ड्रीम. यू नो, अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे, अगर आप जो आपके साथ हुआ है उसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ने की तवक्को रख सकते हैं एज एन इंडिविजुअल और इवन एज अ सोसाइटी देन. सो कल्चरल स्पेसेस तो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को इवॉल्व कर सकें, आप अपने अपने विजन्स को क्लैरिफाई कर सकें, और आप अपने इंटेलेक्ट, हमारे ह्यूमन बीइंग्स का एक एसेंशियल नीड है ना, कनेक्शन एंड connect and what is culture? Culture is the practice of the practices that are adopted by a certain group of people, you know. So I mean, cultural spaces should be at the heart of especially multicultural and vast cities like Karachi, you know. अगर मैं कराची की बात करूँ, जहाँ पाकिस्तान भर से लोग आते हैं, इनकी तो फिर अहमियत डबल हो जाती है, क्योंकि जब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज के लोग एक जगह पे रह रहे होते हैं, उन्हें जरूरत होती है एक दूसरे को ज्यादा समझने की. And I think that's why cultural spaces are immensely important, like what you've started as well. I mean, the reason we are having this conversation is because you have initiated something in Lahore and I have initiated something in Karachi, and that's what it does, right? That's what it creates, these opportunities to you know, to interact and connect, and that's what we need more than anything as human beings, and especially Pakistanis, you know, kyunki hum ek dusre se khauf, we are scared of one another, we are insecure, hame lagta hai ki हम बहुत इनसिक्योर हैं, हम बहुत डरते हैं एक दूसरे से. तो जितना हम एक दूसरे को समझेंगे, जितना एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उतना शायद हमारा एक दूसरे से खौफ कम होगा, you know? Yeah, but having a cultural space in a city, there comes a point where you kind of face a lot of difficulties to continue organizing you know, events, and बार बार उस चीज को करना, उसमें फाइनेंशियली उसको किस तरह से रखना, चलाना. लाइक आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज समटाइम्स, के जब व्हेन इट कम्स टू यू नो यू आर एन आर्टिस्ट एंड देयर इज लेस कमर्शियल वेंचर्स, यू नो, उस तरह से आप इंडल्ज नहीं होते उसमें, एंड आप एक उसके अंदर भी आप एक अपने प्रोसेस के अंदर एक एक्सप्लोरेशन के लिए, यू हैव स्टार्टेड दिस स्पेस एंड the response is great, but obviously you don't want to just give up on you know something that you've started. So to keep you know curating that space, there are difficulties that we face. So you know, like I just want you to discuss some things that you experience, or you know, you would want to share. Yeah. तो सबसे बड़ा, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये एक ख्वाब तो आता है और फिर जज्बात में आप कर भी लेते हैं, लेकिन उसकी लॉन्जेविटी को प्रोसेस करने में, उसको एक कंसिस्टेंट एफर्ट बनाने में मेहनत लगती है, स्पेशली उन स्पेसेस को जहाँ जिनको जो पैसे नहीं कमा रहे होते, जैसे वी डोंट मेक मनी, यू नो, व्हाट वी आर डूइंग इज आउट ऑफ, यू नो, the sheer love of our city. So isme jo hota hai ki aapko you need a network of people who believe in your cause and who believe in what you are doing. Be isme sabse I think ahem cheez hoti hai ki agar aapko ideas and resources, you know, ये हो, और फिर आपके पास अगर गवर्नमेंटल या कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो, तो आपको बहुत सुकून रहता है. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वी हैव नीदर, यू नो. यस, आई वुड से आई हैव अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ द पीपल हु लव द आइडिया, बट व्हेन इट कम्स, अनफॉर्चुनेटली नॉट, या तो फिर ये people don't want to invest them
themselves entirely in an idea which doesn't belong to them, or I don't know, I feel like there's a lack of support, but there's no lack of, I wouldn't say lack of support of other people, I would say lack of institutional support. Kyunki agar aapke paas upar se support aa raha hoga to phir aapko ye masail nahi honge, kyunki to agar I feel ki agar koi institutional support ho, jaisa aapko subsidy mil jaye na, agar aapko samjhe ki aisi subsidy de de ki theek hai cultural space chala rahe to bijli muft mein le le, ya aapko koi, matlab main bilkul random baat kar raha hu, to in some capacity if your college institute then it would make our task easier, because yes, people and the audience understand the value of what we do, and they feel the need to connect too. And you can't put the burden of this on other people, you know. So I feel institutional support, and you know, isme phir ye hota hai ki theek hai, aap kab tak bol, aap government se bhi kya tawakkur rakhe, to phir usme ye hota hai, main I believe that aap ek Lahore mein tasveer ghar chala rahi hai, main cinema 70 Karachi mein, koi pool hona chahiye of shared resources jo hum sare aise cultural spaces ko एक्सेस हो, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, क्योंकि जब नेटवर्क्स बनते हैं तो फिर दिस पावर इन, यू नो, दिस पावर इन कनेक्शंस एंड दिस पावर, दिस ग्रोथ इन कोलैबोरेशन, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर इन कोलैबोरेशन, सो आई लाइक टू कोलैबोरेट विद पीपल, बिकॉज़ लाइक माइंडेड लोगों के साथ जब आप कोलैबोरेट करें तो इट रियली ब्रिंग्स अबाउट रियली द एनर्जी इज एंटायरली डिफरेंट, द एनर्जी इज एंटायरली डिफरेंट. But like when people go to a cinema like you know, like a like to watch a film, like a Bollywood film, ya you know, koi Hollywood film dekhne jate hain aur usme koi 100 banda baitha hota hai, for that experience people pay, there is a ticket that they buy, and then they buy refreshments, they buy popcorns. At Cinema 73, I think popcorns are on the house, right? Yeah. So this is a culture where people are going for an experience. They have planned, you know, कि हमने जाना है, हमने दो घंटे करना है, हम एक टिकट खरीदेंगे, हम you know, we'll buy snacks and we'll sit through the movie. But when it comes to a cultural space, that kind of really changes, because if you know, like agar tasveer ghar mein, ya mujhe lagta hai ki kyunki cultural spaces bahut kam hai Pakistan mein, this is an event which kind of becomes exclusive ek tarah se, because not everyone will be able to afford, you know, giving a ticket. Like students aate hain, bahut families kaise log hain jo sirf experience karna chahte hain what is happening, theek hai, they don't understand ki kya ho raha hai, kyun garaj mein cinema banaya hai, kyun kiya hai, kyun logon ko bulaya hai, free mein kyun bulaya hai, you know, what is happening, but they want to experience it, they want to be a part of it. But when you put a ticket on it, theek hai, it kind of limits. Cinema aap chala rahe ho, but then do you put a ticket sometimes, do you not put a ticket, is that also like kind of open democratic, tickets for everyone should join in but for free, so because it changes, because I'm sure it's a different experience going to a cinema and going to Cinema 73, it's a different experience. But if you're going to a cinema, you do buy a ticket and you do pay for snacks and everything, and it's a very it goes without thinking or saying ki haan, you know, chal raha hai, aise chal raha hai inka kaam, in aise mera iske bare mein kya khayal hai ki jab aap koi cheez publicly karna shuru ho jate hain na, jaise aapne cultural space banayi jisme the state, now you're not the only one who's involved, it belongs
to the public almost now. Yeah. उसमें आपको अपने से बढ़ के थोड़ा सा सोचना पड़ता है. जैसे मुझे कभी ये मैं भी ऐसे सोचता हूँ और सोचता रहा हूँ कि जब आप कोई चीज स्टार्ट करें लाइक यू नो लाइक देयर सम कल्चर स्पेस लाइक सिनेमा 73 उससे पैसा कमाना ऑलमोस्ट क्राइम जुर्म लगता है कि भाई मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ. तो मेरी एक दिन बात हो रही थी मालवी मजर को, आई डोंट नो अगर आप जानती हैं, वो यहाँ पाकिस्तान चौक कम्युनिटी सेंटर भी चलाती हैं. तो शी सेड कि ऑफन आर्टिस्ट और क्रिएटिव माइंडेड पीपल जो ऐसे वेंचर्स करते हैं वो समझते हैं कि गाली है पैसे कमाना अपने इस काम से, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट माइंडसेट है. क्योंकि जो हम कर रहे हैं माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, मोहल्ले के लिए, उसकी अहमियत है. और दूसरी बात, जो लोग वहां जो आते हैं वो चाहते हैं कि ऐसी चीज कंटिन्यू हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये जो हम ये माइंडसेट है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेल्फ सैबोटेजिंग कि आप बोलें कि नहीं भाई क्योंकि मैं इतना जबरदस्त काम कर रहा हूँ तो मैं पैसे कैसे चार्ज करूंगा, और उसकी वजह से आपकी लाइफ मतलब आपकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल करीब आ जाती है एंड यू आर अनेबल टू सस्टेन योरसेल्फ और आप यू नो यू आर अनेबल सच अ good intention, you know. So yeah. the I think this is something that people who are sort of doing things for the public and involving themselves in the community, this is a mindset they should sort of work with ke isse kisi na kisi tarike se paise kamana galat baat nahi hai. बिकॉज अगर आप पैसे कमा पाएंगे तो ये सस्टेनेबल इसके लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स फील होंगे, वरना इट विल डाई आउट एंड यू विल बिकम येट अनदर फ्लिकर इन द यू नो इन द होल सिस्टम. सो आई फील जैसे मैं अब मेरा माइंडसेट तब्दील हो गया. मैं टिकट तो कभी सिनेमा 73 से नहीं लगाऊंगा, बट आई विल यू नो आई विल यूज माई स्किल्स एंड टैलेंट्स to kind of create products through Cinema 73 and sell them, and the money will go to Cinema 73 in order to sustain ourselves, because we want to be there for our community, but we want the community to support us too, you know. And those who can support us, ticket ke saath hi hota hai ki it almost becomes exclusionary ki aapke paas agar aap afford kar sakte hain to aap aaye film dekhe. Ha, means of fundraising से ये होता है कि जिन लोगों की जेब इजाजत देती है तो फिर वो सपोर्ट करें, और इसमें फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग we should come up with sustainable models of sustaining ourselves, वरना तो क्या you know, वरना तो सब एक एक करके बंद हो जाओ, सिर्फ महंगी महंगी बड़ी बड़ी जगहें खुली रह जाए, you know? So before this Insta live session start its stopwatch, because it's like ek ghante mein band ho jaye comment or something interesting. Acha, a funny moment to ye hua hai ek dafa ke bijli chali gayi thi तो हमारी मूवी बंद हो गई थी, तो ये एक फनी मोमेंट था. ये फनी नहीं है, एवरीवन कैन रिलेट टू दिस. इट्स मोर ऑफ अ डिप्रेसिंग मोमेंट. फनी मोमेंट क्या हुआ है, वो वहां जो बच्चे आते हैं मोहल्ले के, वो उनकी बस कमेंट्री चल रही होती है अच्छी खासी लाउड स्पीकर पे, और वो मतलब बाकी जो ऑडियंस है वो कॉन्स्टेंटली तपते रहता है उनकी कमेंट्री से, लेकिन बच्चों का ऐसा राज है मोहल्ले के बच्चों का सिनेमा 73 पे, किसी की मजाल नहीं है कि कोई वो कुछ कहे उन्हें. एंड इवन हमारी जो वन ईयर सेलिब्रेशन हुई थी उसमें व्हेन द लाइट्स वर डिम, उसके बाद गाने चल रहे थे नाजिया हसन के, और बच्चों की एवरेज पार्टी एनिमल्स की एज थी 5 to 10 ईयर ओल्ड, और वो मोहल्ले के बच्चे जो हैं दे आर जैमिंग टू द म्यूजिक और फुल रेव चल रही है, लेकिन सारे बच्चे थे. तो आई थिंक सिनेमा 73
has been able to kind of involve a very diverse audience to you know, and kids feel totally comfortable. और ये बच्चे वो भी हैं जो नेबरहुड में रहते हैं, और ये वो भी हैं जो डोमेस्टिक स्टाफ के बच्चे हैं, तो इनकी बड़ी मजेदार सुकून से ना मिक्सिंग होती है लोगों के साथ. सो इट्स क्वाइट दैट इटसेल्फ इज अ वेरी काइंड ऑफ. ऐसा भी हुआ है लोग सिनेमा 70 पे आके बैठे हैं, मूवी देखी है, तो उन्होंने बोला है कि हमें इतना सिक्योर और इतना सुकून से कभी महसूस नहीं हुआ है कराची की रोड पे. यू नो, वी हैव नेवर फेल्ट दैट वी कैन watch, we can sit on the roadside in Karachi with so much ease and just watch a film without a care. Or you know, bas wo yehi hai ki humne aap agar ek aapki vibe hi tehzeeb ki ho na, to phir wo log samajh jate hain. You know, it's all about creating that atmosphere. And thank you, Lighter Matches. Thank you guys for. A lot of people are sending love and support to Cinema 73. We love it. Next time I'm in Karachi, I'm coming for sure. Please, and I would love to, in some capacity, collaborate. I'm also a big supporter of collaborations. Yeah, awesome, awesome. Yeah. So we can do that. I'm sorry for the initial network issues. No, no, no.